हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नरेंद्र, आप देख रहे हैं पहाड़ी सोल ब्लॉगर। और आज है महाशिवरात्रि, जैसे आप सबको पता होगा। और अभी मैं आया हूँ किलकिलेश्वर में। श्रीनगर से करीब 2 किलोमीटर दूर है, या 1 किलोमीटर दूर लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है ना कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। आज मैं राहुल क्यों है ना, और मेरे साथ आ रखे हैं राहुल भाई साहब। हाय करेंगे, हैं कहाँ हैं? अच्छा, ये। और धूप भी इतनी है कि बस धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है। तो अभी थोड़ा देखते हैं क्या होता है, दर्शन वर्शन का सीन। थोड़ी दिनों से मैं ऐसे कुछ व्लॉग मैंने पोस्ट करा नहीं, क्योंकि अब मेरे को ऐसे फील हो रहा था जैसे रिपोर्टर हूँगा, है ना। अरे न्यूज़ का रिपोर्टर नहीं होता, देखिए दोस्तों यहाँ पे खड़ा हूँ, तो इस तरीके से फील हो रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ जी की कृपा बरसनी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अलग डिफरेंस कर लेते हैं। तो लेट्स रोल। हेलो गाइज, मैं हूँ नरेंद्र का दोस्त, और आज हमें आया रखें। अबे क्यों पॉज कर रहा है? ठीक है भाई, बोल ले रहा, मैं कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ, शिवरात्रि मनाने, लेकिन बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तो हमारा नंबर तो आने से रहा, तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि खाली यहीं पे बैठ के शूट कर लेते हैं। तो भीड़ आप सामने देख सकते हैं, इतनी लंबी लाइन है, लगभग ये 700-800 मीटर लंबी लाइन होगी अगर इसे सीधे में नापेंगे। और ये लोग सुबह से ही यहाँ पे जमा हो जाते हैं। हर साल इस जगह पे, इस मंदिर में, ये एक्साइटमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि लोकल एरिया का, आसपास के लोगों के गाँव का, जितने भी सारे एरिया हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलकनंदा नदी के किनारे पे ही ये मंदिर स्थित है। और भीड़ भी आप देख ही सकते हैं फिलहाल, इतनी लंबी लाइन देख के नंबर तो आ नहीं सकता किसी का भी जल्दी, तो इस वजह से अब दूसरी जगह, किसी दूसरे शिव जी के मंदिर में चलते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ तो दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ नहीं, तो अभी हम चल रहे हैं कहीं और। और वो हो सकता है आपका मलेथा हो सकता है, या फिर कोई और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा धूप है, जगह से ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तब तक आप बाहर से नज़ारा लो, कौन सी जगह है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ, और वहाँ पे भी एक तो नागेश्वर मंदिर है, और दूसरी जगह जाएंगे कमलेश्वर मंदिर। और दोनों जगह मैं आपको ले जाऊँगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। ओके, सो अभी हम हैं कहाँ पे, हम नागेश्वर गली और ये जगह पड़ती है, अभी हम किलकिलेश्वर से पहले और हैं आपका श्रीनगर की साइड, और नागेश्वर मंदिर है। यहाँ पे थोड़ी कम है भीड़, बट यहाँ पे ना फिर वही वाले भोले के प्रसाद वाले हैं, बहुत मिले हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिलता है इधर भोले के प्रसाद। भले ही हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हम इधर बस ऐसे दर्शन करने आ रहे हैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए। चलते अंदर। तो अभी हम लोग हैं नागेश्वर मंदिर में, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे सब कुछ है। मतलब होता है नहीं, एक अंदर से ऐसी वाइब आती है, किसी भी मंदिर में आप जाते हो तो अंदर से एक ऐसी आके बड़ी शांति मिली, ऐसी वाइब आती है कि मतलब अंदर से क्या बोलूँ मैं, अच्छा चीज़, अच्छा मुहूर्त थी, मतलब अभी जाके सब सही लगा, सब निकल जाता है कि मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। इसलिए चाहे कहीं भी किसी भी मंदिर में आप जाएँ तो जाना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से शांति मिलती है, बहुत बहुत शांति मिलती है, चाहे कैसे भी। नागेश्वर मंदिर के बाद अब हम निकल पड़े हैं यहाँ का सबसे फेमस मंदिर, और जो कि मतलब सदियों से चला आ रहा है, कमलेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ से मतलब आप श्रीनगर मेन शहर से करीब 500 मीटर की दूरी पर है, और आपको ज़्यादातर इस बारे में ये भी पता होगा कि वहाँ पे खड़ी देवी की वगैरह की पूजा भी होती है, जो कि होती है सिर्फ और सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी के मेले पे। इस समय तो नहीं हो पाएगी, अभी महत्व तो सिर्फ मंदिर का यही नहीं है कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, पूजा वगैरह के लिए, बस ये आपका ऐतिहासिक महत्व भी रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो गढ़वाल के राजा लोग थे उनके कुछ लिखित प्रमाण भी मिलते हैं, जो कि आप शिलालेख जैसा समझ सकते हो उनको।
पहुंच गए हैं मंदिर के द्वार पे, और द्वार पे आप भीड़ देख सकते हैं। और आजकल जितने भी लोग हैं जूते चप्पल सब भारी उतारते हैं। अब जब भीड़ नहीं होती उस टाइम पे आप इस वाले प्रेमेश में उतार सकते हैं जहाँ पे ये घंटी बज रखी है। वैसा है कि इस वीडियो में मैंने अपना मतलब खुद को ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे लगा कि आदमी को इंसान को फील करना चाहिए जो भी मंदिरों में शांति वगैरह मिलती है। तो आपको थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट्स के जरिए, थोड़े बहुत वॉइस ओवर के ज़रिए मैं आपको थोड़ा यहाँ के दर्शन जैसा फील करवाने की कोशिश करना चाह रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पे फेस वगैरह बिल्कुल ना दिखे, लेकिन आपको एक वाइब जरूर आएगी। तो अभी दोस्तों अभी हम हैं कमलेश्वर महादेव मंदिर में। महादेव मंदिर, ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, ये मंदिर में जाना या फिर कोई भी जिनका भी पूजा घर जो भी होता होगा,